पिछले वीडियो में आपने देखा कि प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर क्या है, अब देखते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंसी क्या है। प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंसी कनेक्ट द डूअर एंड द डूइंग, ये दो चीज़ों को कनेक्ट करता है कि जो काम कर रहा है और जो काम है, वो दोनों चीज़ों को कनेक्ट करता है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर क्या है, अब देखते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंसी क्या है। प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंसी कनेक्ट द डूअर एंड द डूइंग, बेसिकली द नाउन एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस। अब एजेंट हमें पता है कि कनेक्टर होता है। अब प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंसी का काम ये है कि वो एजेंट को बताए, टू शो द एजेंट। चलिए देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंसी जैसे एक्ट करते हैं। बाय और विथ, ये दोनों वर्ड्स हैं प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंसी। चलिए बाय देखते हैं। बाय शोज डूइंग बाय अ पर्सन समथिंग दैट हैज हैपेंड बाय अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, दिस फूड स्टोर इज कंस्ट्रक्टेड बाय माई फादर। यहाँ पर फूड स्टोर इज कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड इज द डूइंग, बाय इज द कनेक्टर एंड द पर्सन हु इज डूइंग इट इज द फादर। तो बाय यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और फादर को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए इट इज अ प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी। अगला है विथ। विथ है डूइंग बाय अ थिंग, कोई भी काम जो किसी चीज से किया जा रहा है उसे, उसके लिए हम विथ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, We drove away the mosquitoes with the repellent spray. तो यहाँ पर काम क्या किया जा रहा है? Drove away the mosquitoes. किस से किया जा रहा है? The repellent spray. अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम with यूज कर रहे हैं, इसलिए with यहाँ पर कनेक्टर है और preposition of agency है। My mother was chopping onions with the knife. She was chopping the onions. That is the doing. And who is the doer? Mother. तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए विथ यूज हो रहा है। विथ की जगह हम जनरली विद द हेल्प ऑफ भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर में भी हमने बाय और विथ यूज किया था। ऐसे ही अलग अलग टाइप के जो प्रेपोजिशंस है उसमें अलग अलग प्रेपोजिशंस रिपीट होते रहेंगे, लेकिन जो पर्पस के लिए वो यूज होंगे वो अलग होगा। तो यहाँ हमें देखना है कि कौन से पर्पस से हम वो प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं। जब भी प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी डूअर और डूइंग को कनेक्ट करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमें बाय या विथ यूज करना है, क्योंकि ये ही इन दोनों के प्रेपोजिशंस हैं। सिंपल था ना? ऐसे ही सिंपल तरीकों से इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।